हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी। जी हाँ गाइस, आज मैं बना रही हूँ इडली, और वो भी बिना इडली मोल्ड के। तो फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिना इडली मोल्ड के हम इडली कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग एक कप के करीब सूजी ले ली है। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटे वाली या बारीक वाली। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच तेल। तेल डालने से क्या होता है, इडली में सॉफ्टनेस रहती है, एक मॉइस्चर रहता है, सूखी सूखी सी नहीं लगती है। और इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है एक छोटी चम्मच नमक। गाइज, अगर आप इडली को सांभर के साथ खाएंगे तो नमक को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ हल्का खट्टा दही, जो कि मैंने कल रात को ही जमाया था। आप दही की लस्सी बनाकर भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास सिर्फ लस्सी हो तो आप उससे भी इडली बना सकते हैं। बस होना ये चाहिए कि लस्सी थोड़ी खट्टी होनी चाहिए। और अब इस दही को मैं सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दही और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये जो बैटर है वो मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। तो हमें इसके लिए इसमें थोड़ा पानी ऐड करना होगा, क्योंकि जब हम सूजी को रेस्ट के लिए रखेंगे तो सूजी भी फूल जाएगी, इससे बैटर और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, और इसे भी इस दही और सूजी के बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इडली को ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बना सकती है। ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, खास करके बच्चों को। आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर दे सकती हैं। बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं, और सुबह की भागदौड़ में ये झटपट से बन जाने वाली एक रेसिपी है। आप इसे एक बार अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। इसे हमें ना तो ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। और अभी मैं इसे ढककर 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देती हूँ। 5 मिनट में ही सूजी अच्छे से फूल जाती है, क्योंकि सुबह सुबह जब इसे बनाते हैं तो इतना टाइम नहीं रहता है। जब तक सूजी को हमने रेस्ट के लिए रखा है, तब तक मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। आप कढ़ाई की जगह कोई भी बर्तन, जैसे कोई पतीला हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और उसमें मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी को हमें एक उबाल आने तक अच्छे से गर्म कर लेना है। और अभी मैंने ली है इस तरह की एक छलनी, जो कि सभी के घर में होती है, और इसे मैं ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर देती हूँ। इस पे ऑयल हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का हल्का ग्रीस करना है। और इस छलनी को मैं सेट कर देती हूँ इस कढ़ाई पर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि पानी हमें उतना ही डालना है कि इस छलनी के नीचे ही रहे, ऊपर ना आए। मतलब ये है कि पानी इस छलनी को टच नहीं करना चाहिए। अगर हम इसमें पानी ज़्यादा डाल देंगे तो जो हमारी इडली है वो अच्छी नहीं बनेगी, ख़राब भी हो सकती है। और यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, अभी हम इस बैटर को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो सूजी है वो अच्छे तरीके से फूल चुकी है। पहले थोड़ी पतली थी, लेकिन ये फूलने के बाद एक गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। लेकिन हमें ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, हमें वैसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए जो कि पहले थी। लेकिन सूजी को फुलाना भी था, ताकि जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। गाइज, अगर आप सारे स्टेप्स को इसी तरह फॉलो करते रहेंगे तो आपकी इडली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। और अभी मुझे जितनी इडली बनानी है उतना पेस्ट मैं एक अलग बाउल में निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमें इसे फुलाने के लिए इनो ऐड करना होगा। तो पूरे पेस्ट में एक साथ इनो ऐड नहीं करना है, एक बार में हमें जितनी इडली बनानी है उतने ही पेस्ट में हमें इनो डालना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक इनो का पैकेट लिया है। फ्रेंड्स, आप इनो की जगह सोडा भी डाल सकते हैं। अगर आपने एक कप सूजी ली है तो उसमें एक पैकेट पूरा इनो का
डाल दीजिएगा। और अगर आप इनो की जगह मीठा सोडा का यूज़ कर रहे हैं तो उसे आपको सिर्फ आधा चम्मच ही इसमें डालना है। और अभी यहाँ पे इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैंने इस पे थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से बैटर के साथ मिक्स कर लिया है। अब देखिएगा कि कितनी बढ़िया इडली बनकर तैयार होगी, एकदम रुई जैसी सॉफ्ट और नरम इडली बनेगी। और यहाँ पर पानी में एक अच्छा उबाल आ चुका है। अभी हम इसी जाली वाले बर्तन में हम सारी इडली बनाकर तैयार करेंगे। जिन लोगों के पास इडली मोल्ड नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस तरह से अगर आप इडली बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया इडली बनकर तैयार होगी। फ्रेंड्स, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। जितना मैंने दिखाया है वीडियो में, बैटर की कंसिस्टेंसी उतनी ही रखनी है। अगर आप इसे ज़्यादा पतला कर देंगे तो ये जो होल्स है इसमें से ये जो बैटर है वो नीचे गिरने लग जाएगा, इसलिए इसे थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। और इस पेस्ट को जाली पे तब डालना है जब इसमें भाप बनने लगे, ताकि जैसे ही हम इस पेस्ट को इस छलनी पे डालें तो ये भाप में पकना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जितनी इडली इस छलनी में बन गई मैंने उतनी इडली को इसमें फैला दिया है और इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख दिया है। इडली मोल्ड में इसे पकने में 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपको 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। लगभग 3 से 4 मिनट बाद हम इडली को चेक कर लेते हैं कि ये पक गई है या नहीं पकी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक नाइफ़ और उसे मैं इन इडली में डालकर चेक कर लेती हूँ कि ये पकी है या नहीं पकी। अगर ये बैटर इस चाकू पर चिपकता है तो इसका मतलब है कि ये नहीं पकी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चाकू पर बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से पक गई है। और अभी मैं इस छलनी को एक कपड़े की मदद से पकड़कर बाहर निकाल लेती हूँ और अभी मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। इसे बिल्कुल ही हल्का सा ही ठंडा करना है, मतलब 4-5 मिनट के लिए नहीं रखना है, सिर्फ 20-30 सेकंड के लिए ही रखना है। कुछ देर ठंडा करने के बाद इन्हें या तो किसी स्पैचुला की मदद से या फिर चाकू की मदद से इन इडली को इस छलनी में से बाहर निकाल लेना है। ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया जालीदार इडली बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट और मुलायम इडली बनकर तैयार हुई है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम बिना इडली स्टैंड के इडली नहीं बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, आप इस तरह से इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है। गाइज, इडली बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इन्हें कटोरी में भी बना सकते हैं या जो मसालेदानी की डिब्बे होते हैं उनमें भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको परफेक्ट इडली चाहिए और शेप भी इडली जैसा ही चाहिए तो आप इस ट्रिक से इडली बनाकर तैयार कर सकती है, ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। इडली एक बहुत ही अच्छा नाश्ता है, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इडली को आप ब्रेकफास्ट में तेल और राई का तड़का लगाकर फ्राई करके भी खा सकते हैं। इसे आप सांभर के साथ, नारियल की चटनी के साथ या सूखा भी खा सकते हैं। मुझे इडली सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने यहाँ पे इडली के साथ सांभर भी बना लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।